अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, बस रूफी के साथ। वो शांजे का ड्राइवर आया था घर की चाबियां देने, तुम शायद भूल गए थे। इतने लापरवाह हो गए हो, घर की चाबियां ही भूल गए। ये आप क्या घर घर किए जा रही हैं अम्मी? वो घर नहीं है, एक अपार्टमेंट है बेटा। तो जब हम जाके रहेंगे तो वो घर बन जाएगा, अपार्टमेंट नहीं रहेगा। आप उसे घर कहें या अपार्टमेंट, मेरे लिए वो सिर्फ एक एहसान है और बस। तुम क्या समझते हो, हम एहसान फरामोश हैं या हमें उस लड़की के एहसानों का अंदाजा नहीं है? जब वक्त आएगा तो हम एहसान चुका देंगे उसका। तुम्हें तो कोई खुशी ही नहीं है। जुगनू और नादिया को देखो, अपनी अलमारियां खाली करके पैकिंग शुरू कर दी है। और नादिया ने सजीला को फोन पे ही बता दिया। वो तो फोन पे ही इतनी एक्साइटेड थी, मैं क्या बताऊं। आखिर उसी को तो वो घर आबाद करना है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि ये घर तो आबाद होने के काबिल रहा नहीं है। क्या हो गया इसे? अल्लाह ने खुशी दी है तो हमें खुश होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। पागल ही हो गया। मानते हो ना, दिल की बात किसी से ना कही जाए, किसी अपने से सच ना बोला जाए तो बेईमानी होती है, धोखा होता है। इसीलिए तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती। मैं जानता हूँ क्या कहना चाहती हैं। मोहब्बत का एतराफ जब जबान से ना किया जाए तो सुकून नहीं मिलता, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारी हर बेईमानी सह लूंगी, हर धोखा खा लूंगी। शानी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी, मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हेलो, कहाँ थे? इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ। दोस्त की तरफ था। मुबारक हो भाई, मैं बता रही हूँ अभी से अपना नया घर मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। मैंने तो फूफो से भी कह दिया कि मुझे अपने साथ लेके जाए। कहाँ खो गए? ना करो, तुम इस बात से भी खुश नहीं हो शानी? मेरी खुशी की अहमियत है किसी के लिए? क्या हुआ है कि इससे लड़कर आए हो? तो ये भी समझ में नहीं आता कि किससे लड़ूं किससे नहीं। लगता इंसान वहां है जहां उसको ये उम्मीद हो कि कोई सुनेगा समझेगा उसको। शानी क्यों इतनी अजीब बातें करते हो? लगता ही नहीं है कि फूफो के बेटे हो। वहां सबको देखो कितना खुश है, यहाँ पता नहीं तुम किस बात का शोक बना रहे हो। काश तुम्हें एक बार अंदाजा हो जाए कि मैं किस बात का शौक मना रहा हूँ। शानी, अगर तुम्हें खुद खुश होना नहीं आता ना तो दूसरों की खुशी से ना खुश होना सीख लो। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी से क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जात की पड़ी रहती। इतनी खुश थी मैं, सारा मूड खराब कर दिया। बाय। बाय।
मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। पर मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। सिर्फ इसलिए कि मेरा स्टेटस तुमसे मुख्तलिफ है। चूंकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इस स्टेटस को बराबर कर दूंगी। जब तुम मेरा हाथ थाम लोगे तो बिल्कुल मेरे बराबर आ जाएंगे श्रवण। जब जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ तो अनजान क्यों बनते हो मेरी चाहत से? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे शनि, और इस मोहब्बत में मैं तुम्हारे लिए वो सब कर सकती हूँ जो कोई और नहीं करेगा। आप भूल रही हैं मेरे आपके दरमियान क्या तय हुआ है। दोस्ती, दोस्त समझ के ये तो बात कर रही हूँ तुमसे, तो उससे बढ़कर तो कोई और मसीहा नहीं होता। दोस्त और मसीहा एक दूसरे को मशवरा दे सकते हैं, हल तजवीज कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकते। जो मोहब्बत जवाब में मोहब्बत ना पा सके वो नासूर बन जाती। लेकिन जहां से मोहब्बत मिल ही ना पाए वहां से मोहब्बत की उम्मीद रखना खुद फरेबी होती है। प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे आपको दुख पहुंचे। मेरी दुख कितनी फिक्र है तो मेरे सुख की परवाह कर लिया करो। बस में नहीं है मेरे। क्यों खुद को इतना बेबस समझते? बेबस तो मैं हूं, तुमसे बात करने के लिए तड़पती रहती, मगर जब तुम सामने उठो तो मैं बात ही नहीं कर पाती। सिर्फ इसी डर से कि जो दोस्ती का ताल्लुक है कहीं ये भी ना गवा बैठू। जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत नहीं करते। कोई बात नहीं, आज नहीं करते तो कल कर लोगे। आप प्लीज मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखें। शानी, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। इसीलिए रोकता था मैं आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगी? शानी, मैंने तो जिंदगी का हर कदम तुम्हारे साथ उठाना है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और मैं आपके साथ जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। और मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता।